फाइनली फ्रेंड मैं खेत पहुंच चुकी हूँ और ये देखिए इधर खेत का नजारा चारों ओर उभर पा रहा है। तो बीड़ा तैयार हो गया है, इधर हम लोग का बीड़ा तैयार हो गया है, रोपा उधर रोपा रहा है, पापा है खेत में वहाँ पर और इधर आंटी लोग भी रोपा रोप रही है इधर देखिए। तो दोस्तों अब भी हम जा रहे हैं रोपा रोपने के लिए, आप लोग को दिखाते हैं कैसे हम लोग तरफ रोपा रोपाता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार, प्रणाम, सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और हम लोग भी स्वस्थ हैं। सो दोस्तों आज हम लोग का गांव में धान का रोपाई होगा और ये देखिए पूरा नाश्ता पानी झोला में पकड़ लिए हैं। और भैया 2-3 दिन से गांव में ही है और हमारी मम्मी है यहाँ, तो अभी माँ तो यही है और हम जा रहे हैं अभी नाश्ता पानी लेके, पापा भी है गाँव में, पापा भैया लोग। तो गाँव पहुँचने के बाद आप लोग से फिर मिलते हैं। फाइनली फ्रेंड मैं खेत पहुंच चुकी हूं और ये देखिए इधर खेत का नजारा चारों ओर उभर पा रहा है देखिए, और उधर और इधर देखिए हम लोग का बीड़ा तैयार हो गया है, इधर हम लोग का बीड़ा तैयार हो गया है, रोपा उधर रोपा रहा है, पापा है खेत में वहां पर और इधर आंटी लोग भी रोपा रोप रही है इधर देखिए। तो दोस्तों अब भी हम जा रहे हैं रोपा रोपने के लिए, आप लोग को दिखाते हैं कैसे हम लोग तरफ रोपा रोपाता है। ये देखिए दोस्तों रोपा रोपा रहा इधर, अभी हम भी जा रहे हैं रोपा रोपने के लिए। इधर देखिए इधर बहुत सारा लोग है। सो दोस्तों रोपा ऊपर रोपा रुक गया है और अब भी हम लोग जा रहे घर। और ये देखिए मेरा गांव का कोल बगीचा वाला ग्राउंड है ये और बहुत ही अच्छा है। और देखिए यहाँ पर नहर भी है जिससे पानी आता है और अभी धोवा लिए है इसी में पूरा, ये देखिए पूरा भींगा हुआ है। और ये देखिए इसी में पानी आता है दोस्तों, आगे में नहर है ना और यहाँ से पानी आता है और देखिए आगे उधर खेत है तो खेत में ही जाता है सब। और इसी से अभी रोपा रोपा रहा है क्योंकि इस बार बारिश तो बहुत कम है, नहर का पानी जा रहा है प्लस आगे नदी है तो लोग नदी से भी पटा कर रोप रहे हैं। और अभी हम लोग का 2-3 को क्यारी नहीं रोपाया है तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं, कल कम्प्लीट हो जाएगा। दोस्तों मैं अभी घर पहुँच चुकी हूँ और ये देखिए इतना रात हो गया है दोस्तों, देखिए मम्मी घर में बैठी हुई है और कुछ भी नहीं बनाई है दोस्तों, अभी हमको खाना वाना सब कुछ बनाना होगा, एकदम कुछ नहीं बनाई है। रोपा रोप के भी पूरा थक गए हैं क्योंकि बनिहार लोग बहुत कम आए हुए थे ना, इसीलिए बहुत ज्यादा थक गए हैं दोस्तों रोपा रोप के, धोखा दे दिया बनिहार लोग और दिन भर रोप रहे थे रोपा। आप लोग तो समझ सकते है कि कादो खेत में कितना दिक्कत होता है, इसलिए हम वीडियो भी नहीं बनाने पाए रोपा रोपने का, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट बार अगर जाएंगे हम खेत तो आप लोग को दिखाएंगे हमारे यहाँ कैसे होता है रोपनी, धान का रोपनी। तो दोस्तों बहुत ज्यादा थक गए हैं क्योंकि कल सोमवार था, सोमवार को भी मेरा रथ यात्रा में बहुत चले थे, एक तो पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो गया था नीचे, प्लस आज दिन भर रोपा रोपे हैं और कभी किए नहीं है ना, साल में 1-2 दिन बस करते हैं, बहुत दिक्कत होता है। तो दोस्तों देखिए अब भी हम जा रहे खाना वाना बनाने क्योंकि भूख भी लगा है, माँ कुछ की नहीं है, बर्तन तो सब साफ है, बस खाना चढ़ाएंगे तुरंत बन जाएगा मेरा और माँ के लिए, बस 2 जने, भैया गांव में है, पापा भी गांव में है और 2 दीदी लोग आई हुई है बाहर से, 2 बच्चे लोग, उन लोग भी है घर में ही, तभी भैया उधर बना के खिलाएंगे सबको। मेरा काम था घर में इसलिए हम आ गए, क्योंकि माँ कल ले यहाँ थी इसलिए, तो पापा और भैया भी गाँव में है और हम यहाँ आ गए। समय का अभाव के चलते दोस्तों मैं गांव में भी, गांव गई थी बस खेत गई रोपा रोपी और फिर वापस घर आ गई यहाँ, और गांव का घर घुस नहीं ले पाए, घर साइड में जा नहीं पाए हम। तो नेक्स्ट बार जाएंगे तो दिखाएंगे, पापा से भी मिलाएंगे आप लोग को।